Hello, and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And today we are discussing the 21 December ke daily current affairs quiz. आप जिस भी तरीके के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आप आराम से रेफर कर सकते हो जिस भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं. एंड ये वीडियो रोज़ाना आपको 7 से 8 के बीच में मिल जाया करती हैं. और अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. आज का जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे. करंट अफेयर्स से मैं पूछ रही हूँ कि WEF की जो वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट, जेंडर गैप इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है इनकी, तो इसके अनुसार हमारे भारत का विश्व आर्थिक मंच पर कितने स्थान पर हमारा भारत रहा है, हमारे भारत की क्या रैंकिंग है. एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया. ये दोनों मैंने रिसेंट की करंट अफेयर्स के वीडियोज़ से कवर किया है. अगर आप जो मैं पढ़ाती हूँ आप वो अगर फॉलो कर रहे हो तो आप इसके आराम से आंसर्स दे सकोगे, ठीक है, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट मेन थिंग ये है कि आप इसका आंसर दे पाइए, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपकी अपडेट रहे और एक तरह से जो आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज है वो आपका रिवीजन होता रहे. स्टैटिक से आप मुझे बताइएगा कि मलेशिया की राजधानी क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक है, ये चीज़ें आप मुझे बताइए. और मैं ऐसा कहती हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन, आज के भी टोटल हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप इन पांच क्वेश्चन के, ये 3 तो नहीं है, रॉन्गली यहाँ लिखा गया है, मतलब ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5. तो आज के जो 5 क्वेश्चन हैं इसके आप मुझे आंसर्स बताइएगा कमेंट में, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप मुझे सारे आंसर्स बता पाएँ. तो चलिए हम शुरू करते हैं. और कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मैं इसका आंसर बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हमने कब मनाया, तो ये हमने मनाया 18 दिसंबर को. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है उदय शंकर जी. एंड मैंने स्टैटिक से आपसे पूछा था कि हंगरी की राजधानी क्या है, तो ये है बुडापेस्ट. एंड कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है. आप लोगों में से मैंने सबके आंसर्स देखे हैं एंड थैंक यू सो मच. बहुत लोग इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं जितने क्वेश्चंस पूछती हूँ ना आप सारों के आंसर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. एंड आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच. और आप कोशिश करिए इसी तरीके से कि मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछूँ आप उन सारों का आंसर्स मुझे दे पाएँ, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो करिएगा एंड कोशिश करिएगा कि आप इन सारे के आंसर्स मुझे कमेंट में बता पाएँ. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में नितिन गडकरी ने लोअर दिबांग घाटी जिले में रोइंग में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी है और उसका उद्घाटन किया है. तो देखिए, हमारे जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो इसमें उन्होंने लोअर दिबांग घाटी जिले में रोइंग में इन्होंने जितनी भी राज्य मार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्होंने लोहित और दिबांग नदी पर 2 पुल का उद्घाटन किया. ये परियोजनाएं क्या करेंगी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संचार की जो सुविधा है ना उसमें सुधार लाएंगी. तो ये बोला जा रहा है कि किस राज्य में उन्होंने किया, तो ये किया अरुणाचल प्रदेश में. हमारे ऑप्शन है सी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, मतलब हमारे इंडिया से जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो नेक्स्ट एम्बेसडर, जो अगला राजदूत है वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला. ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सी, हर्षवर्धन श्रृंगला. एंड ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत से, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इनके बारे में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि वर्तमान में हर्षवर्धन जी जो हैं ये वर्तमान में बांग्लादेश के भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं बांग्लादेश में, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो देखिए ये नियुक्त हुए हैं प्रवण कुमार दास जी. ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ए, प्रवण कुमार दास जी. तो यही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. ये जो है ना ये वित्त मंत्रालय के अंदर आती है ये बोर्ड, ठीक है, और इसमें 6 मेंबर होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं, मतलब इन 7 लोगों का ये पैनल होता है. और 1 जनवरी 2019 से प्रवण कुमार दास जो है वो अपना कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर को एस रमेश जी इस पद से ना रिटायर हो रहे हैं, जो पद अब मतलब प्रवण कुमार दास उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, ये 1 जनवरी 2019 से अपना कार्यभार संभालेंगे.
तो हमारे ऑप्शन हो गए ए प्रवण कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने अपने आउट पेशेंट विभाग का परीक्षण शुरू किया है, ये किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑफ यू आपको ये जानना है सबसे पहले कि देखिए हमारे भारत का जो सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है ना, वो झज्जर ज़िले में है। और झज्जर ज़िला कहाँ है? ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है, दैट इज़ NCI, इसमें अब इन्होंने अपना एक आउट पेशेंट विभाग, दैट इज़ OPD की सेवाएं शुरू कर दी है, ठीक है। इसका परीक्षण शुरू किया है। और मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि ये किस राज्य में पड़ रहा है, तो आप बता, राज्य की बात मैंने कही है, ये हरियाणा में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल जो है ये हरियाणा में है। तो इन्होंने ये जो इसमें OPD आउट पेशेंट विभाग का परीक्षण शुरू किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और 18 दिसंबर को इन्होंने अपनी ये OPD की सेवाएं शुरू की है। इसके बारे में मैं इसके बारे में दिखाती हूँ आपको, ये रहा, ये देखिए, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने अपनी OPD का जो संचालन स्टार्ट किया है ना, सेवाएं परीक्षण शुरू की है, ये आप देख सक रहे हो पिक्चर में, ये वाली है, ठीक है। देखिए 2035 करोड़ से बना है ये पूरा प्रोजेक्ट, इतनी उसमें पैसे लगे हैं। और ये होगा क्या ना, इसमें एम्स के जो डायरेक्टर है ना, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये इसे उनका इन्हें चलाने का जिम्मा है। जैसे कि देखिए आप यहाँ देख सक रहे हो, यहाँ एम्स है, ये झज्जर है। अब एम्स से झज्जर के बीच की जो दूरी है ना, वो 50 किलोमीटर दूर है। बट इसमें क्या होगा कि एम्स क्या है, देखो एम्स में क्या होता है ना कि एम्स का ऐसे पर डे का है कि एम्स 1300 मरीज को रोज़ देखता है, बट उतनी सुविधाओं की ये कह लीजिए कि इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए जो इलाज हो पाता है ना, वो 400 लोगों का हो पाता है, इतनी रिपोर्ट के अनुसार आए हैं। तो ये ओपीडी यहाँ खुलने से क्या होगा कि ये लोग संयुक्त रूप में थोड़ा संचालन कर रहे हैं, मतलब कि ये समझ लीजिए कि एक तरह से NCI जो है ना, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है, वो एम्स के जितने भी कैंसर हॉस्पिटल का बोझ बांटने का काम करेगा, समझ गए। तो थोड़ा सा वो एम्स को हेल्प कर देगा, तो अंदर ही अंदर इनका संचालन संयुक्त रूप से होगा, ताकि इलाज का जो OPD जैसे इन्होंने शुरू की है, तो मान लीजिए कि कोई चीज़ों की सुविधाओं की जो अभाव है उसे वो कम करे, और आपस में ही ये NCI और एम्स में जो है वो बोझ बांटने का काम करेंगे, मतलब मिलकर ये काम करेंगे ताकि मरीजों का इलाज जो है वो अच्छे से हो पाए। तो समझ आ गई चीज़ें, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा में है और हमारे ऑप्शन इस अनुसार हुए थे ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कौन सा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में उभरा है? तो देखिए स्टार्टअप रैंकिंग 2018 के अनुसार जिनका सर्वश्रेष्ठ मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, वो राज्य है गुजरात। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग, ठीक है, उन्होंने राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग की रिपोर्ट लाई। उस रिपोर्ट का उन्होंने राष्ट्रीय रिपोर्ट का अनावरण किया, जिसमें पाया कि गुजरात का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में। ऑप्शन हो जाते हैं गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कौन सा राज्य में आयोजित किया जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि जितने भी DGP राज्य के महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक मतलब IG, तो इनका एक सम्मेलन होने वाला है, और ये देखिए 20 से 22 दिसंबर तक होगा। मैंने ये पूछा है कि ये किस राज्य में कराया जाएगा, तो ये होगा हमारे गुजरात में, और इसमें होम मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके पीछे, इस सम्मेलन के पीछे इनका एजेंडा ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या बढ़ रही है उसे कम करना, सीमा पर जो आतंकवाद है उन्हें कैसे कम किया जाए, और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये इनका मुख्य एजेंडा रहेगा, इन विषय पे चर्चा होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा कि ये गुजरात में होगी इनकी ये सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गैस 2019 GAS, ठीक है, GAS 2019 नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, ओके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है, एविएशन मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। तुम्हारे ऑप्शन क्या होगा? ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इन्होंने इसे 19 दिसंबर को लॉन्च किया है। ग्लोबल
ग्लोबल एविएशन समिट जो होने वाली है उसके लिए। देखिए ये ऐप जो है ना, ये जनवरी 2019 में, जैसा कि मैंने कहा, मुंबई में आपकी जो ग्लोबल एविएशन समिट होगी उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ट्रेन 18 को किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजांकित किया जाएगा? ट्रेन 18 बहुत ही सुर्खियों में है, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि ये हमारी भारत की सबसे पहली इंजन रहित ट्रेन है, मतलब इसमें इंजन यूज़ नहीं हो रहा है। और देखिए ये ट्रेन फाइनली इसे ध्वजांकित किया जाएगा, फाइनली ये ट्रेन अब चलने वाली है। तो जैसा कि हम ये जान रहे हैं कि देखिए ये ट्रेन 18 के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं। देखिए इस क्वेश्चन में बात आया था कि किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे ध्वजांकित करेंगे, तो देखिए ये तो है वाराणसी। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए वाराणसी। वाराणसी से ट्रेन 18 को हमारे मोदी जी 29 दिसंबर को इसे ध्वजांकित करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ट्रेन 18 के बारे में आप थोड़ी सी बात जान लीजिए। ये रही ट्रेन 18, देखिए ये हमारी इंडिया की सबसे पहली इंजन रहित ट्रेन है, ठीक है। और देखिए इसका निर्माण जो है ना, चेन्नई की जो कोच फैक्ट्री है उनके द्वारा किया गया है। और एक परीक्षण के दौरान, जब एक परीक्षण हो रही थी, तो उस दौरान ये पाया गया कि 180 किलोमीटर से अधिक की गति पर ये पहुंच गई थी, मतलब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। तो ये भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है, ये भी आप कह सकते हैं कि हमारी भारत की जो सबसे तेज ट्रेन है ना, ये आपकी ट्रेन 18 है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये कहाँ से लॉन्च हो रही है, मतलब कहाँ से ध्वजांकित की जाएगी 29 दिसंबर को, तो ये वाराणसी से की जाएगी। ऑप्शन हो जाते हैं ए। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रेन 18 हमारी जो ट्रेन है ना, ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में ही संचालित की जाएगी, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण कब से शुरू होगा? अब देखिए द्विजिंग महोत्सव जो कि 12 दिनों का होगा, इसका थर्ड एडिशन जो है पूछा जा रहा है कि ये कब से शुरू होगा। तो देखिए ये शुरू होगा ना आपके, ये शुरू किया जाएगा 27 दिसंबर से, ठीक है, ये शुरू होगा 27 दिसंबर से। यहाँ ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ 27 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। आप यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। और देखिए ये जो द्विजिंग महोत्सव है, इसमें क्या होगा कि ये असम सरकार की एक नदी पर्यटन परियोजना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं कि कौन से राज्य में 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, वो कौन सा राज्य है? तो देखिए 20 दिसंबर से, मतलब बुधवार के जो मध्य रात्रि से ही यहाँ राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फाइनली 20 दिसंबर से यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। और यहाँ अभी गवर्नर शासन चल रहा था, राज्यपाल शासन चल रहा था 6 महीने का, जो ख़त्म हो गया है, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी ना, वो 1996 में हुई थी, एंड सेकेंड टाइम जो हुई थी 1996 में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप ध्यान रख सकते हो। तो इस बार जो राष्ट्रपति शासन 20 दिसंबर से लागू हो गई है, ये है राज्य जम्मू एंड कश्मीर। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ जो गवर्नर थे सतपाल मलिक, राजधानी श्रीनगर और राष्ट्रीय उद्यान सिटी वन, द चिगम हेमिस, किस्तवर, काजीनाग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि अब तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गई है, यहाँ की जो गवर्नर शासन थी वो ख़त्म हो गई है, तो फाइनली यहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हमने सेलिब्रेट किया है 20 दिसंबर को। ऑप्शन हो जाते हैं बी 20 दिसंबर, ठीक है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में जो गरीबी है ना, भूख है, बीमारी है, उसे ख़त्म करना है। तो उसे ख़त्म करने के लिए हमें एक दिशा में एकजुट होना है, ताकि हम उस चीज़ों को ख़त्म कर पाए। तो उसके बारे में ही लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। ये उद्देश्य थे, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया गया है 20 दिसंबर को, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत
किस मंत्रालय द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इसमें ये आप समझिए कि वो कौन सी मंत्रालय है जिसने मारुति सुजुकी इंडिया जो है उसके साथ एक समझौता किया है, किसके तहत? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। ठीक है, देखिए जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ना, इसके तहत क्या होते हैं ना कि रोजगार संबंधी कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ये रोजगार संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिए जाने वाला एक कार्यक्रम है। अब इसके तहत जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय है आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं ताकि देश के जितने भी ग्रामीण युवा हैं ना, उन्हें निश्चित नौकरी के साथ 2 वर्ष में कम से कम 5,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं इस समझौते के तहत, तो याद रखिएगा ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस जो वीडियो की जो PDF है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, जस्ट वीडियो के नीचे आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड हाँ, आप सब जरूर कोशिश करिएगा जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं स्टार्टिंग में उसके आंसर्स देने के। थैंक यू सो मच।